हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर ड्रेड्स आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस इज मिथिलेश विश्वकर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यू चैनल वी एस एम अकेडमी द स्पीरियड ऑफ एजुकेशन सो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ये वीडियो को आप एंड तक देखना तो आपको समझ जाएगा कि आप लाइफ में आपको क्या चूज करना और क्या चूज नहीं करना चाहिए क्लियर तो गाइस एक चीज हमेशा मेरे सामने आती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो टेंथ के पास हुए स्टूडेंट हो या ट्वेल्थ के स्टैंडर्ड से पास हुए स्टूडेंट हो हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम टेंथ स्टैंडर्ड के बाद क्या करना चाहिए सर हमें ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट गाइस क्योंकि क्या होता है कि जब तक अपने आप सही डायरेक्शन में क्या होता है मेहनत सब करते हैं राइट right. मेहनत सब करते हैं बट सही डायरेक्शन में को कोई मेहनत नहीं करता है, तो वो मेहनत क्या होता है नल एंड हो जाता है सिमिलरली मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब तक आपने टेंथ पास किया बहुत अच्छी बात है लेकिन टेंथ के बाद अगर आपने सही कोर्स या सही रास्ता सेलेक्ट नहीं किया चूज नहीं किया सो so गाइस आगे चल करके बहुत सारी प्रॉब्लम आप फे, आ, फेस करने वाले हो तो ध्यान देना इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें सिखाऊंगा एक्जैक्टली exactly. आ, किस चीज के मतलब किस प्लेस के बाद या किस लेवल के बाद या किस पॉइंट के बाद हम कौन से कोर्स को सेलेक्ट करना चाहिए कौन से कोर्स को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए फर्स्ट चीज एक मैं आपको बता देना चाहता हूं ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से पूरा का पूरा मैं आपको आर्किटेक्चर या एक तरह से स्ट्रक्चर बताऊंगा कि, कि किस कोर्स के बाद या किस चीजों में आपको जाना चाहिए लेकिन लेकिन आप सबसे बेस्ट पर्सन हो अपने आप को इवेलुएट करने के लिए अपने आप को समझने के लिए कि यस मुझे ये कोर्स करना चाहिए ध्यान रखना इस दुनिया में कोई भी बंदा आपको सिखा नहीं सकता कि यस आप इस कोर्स में माहिर हो सकते हो इस कोर्स में माहिर नहीं हो सकते क्योंकि क्या होता है कि आपको आपसे ज्यादा राइट किसी भी इंसान को उस इंसान से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता तो उसी तरीके से आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता बच्चों इसलिए याद रखना कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने के पहले आप पहले देखो एक्जेक्टली exactly मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए राइट अब जैसे मान लो कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको साइंस स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता है या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उस चीजों पर वो डायरेक्टली डिसाइड कर लेते हैं चलो मुझे साइंस करना है राइट ऐसा हो जाता है राइट ना बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब साइंस में वो साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो साइंस में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जैसे क्या होता है कि टेंथ तक जो साइंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूंगा सो so टेंथ तक जो साइंस होता है वो आपका फिजिक्स uh, हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो सब एक ही बुक में होता है तो आप कुछ चैप्टर फिजिक्स के पढ़ते हो कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ते हो कुछ चैप्टर आप बायोलॉजी के पढ़ते हो राइट बट वॉट अबाउट अदर्स मतलब अगर हम बात करें अदर कोर्स की तो अदर कोर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थोड़ा अलग अलग मिलता है कोई इशू नहीं है लेकिन क्या होता है कि जब तक हम चीजों में एकदम क्लियर ना हो जाए तब तक उस चीज पे डिसाइड करना डिसीजन लेना सही नहीं होता है इसलिए बच्चों अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फिजिक्स या नॉलेज है या जो मेरा एक लॉजिकल थिंकिंग का पावर है बहुत अच्छा है मैं चीजों को अः बोल सकते ना विजुलाइज कर सकता हूं अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ रही है गो फॉर साइंस ओके बट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा कमर्शियल बोलते हैं ना सिलेबस में कमर्शियल सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स या फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट हो गए राइट तो या कोई हो गया स्टैटिस्टिक्स जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन हो गए तो अगर आप इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड हो बट तो और आगे भी हम बात करेंगे जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश uh, में लिटरेचर करना होता है ऑनर्स करना होता है या बी एल एल करना होता है या डिफरेंट डिफरेंट जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस हो गए राइट ऐसे कोर्सेस करने होते हैं तो वो एक्जैक्टली exactly उनको आर्ट्स में जाना चाहिए जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा व्यू दिया गाइस अभी अब इन्हीं चीजों को मैं वन बाय वन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्लियर सो गाइस लभ मैंने आपको बता दिया मैं आज इस लेक्चर में आपको इस वीडियो में क्या सिखाने वाला हूं तो सबसे पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि टेंथ स्टैंडर्ड के बाद आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हो तो कोर्स सेलेक्ट करने के पहले हमेशा कुछ पैरामीटर्स आप अपने सामने रखो उस पैरामीटर पे अपने आपको इवेलुएट करो जैसे एक्जेक्टली exactly आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या आपका वीक पॉइंट क्या है दूसरी बात ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा बच्चों आप अपने आपके जो दोस्त होते हैं आपके जो दोस्त जो कोर्स करते हैं उसी कोर्स के पीछे मत भागो क्योंकि क्या होता है कि आपका दोस्त जो कोर्स कर रहा है आपका फ्रेंड जो कोर्स करना चाहता है क्योंकि वो उस कोर्स में बेस्ट है या उस सब्जेक्ट

सो so, ये बात होगी दूसरी बात अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए कौन सा कोर्स सेलेक्ट नहीं करना चाहिए तो बच्चे उसके लिए काउंसलिंग भी होती है काउंसलिंग होने के साथ साथ अगर आपके घर में आपके आस पड़ोस में अगर आपके कोई भाई बहन है या आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि मॉम डैड मुझे ये चीजें पसंद है ऐसा है वैसा है तो मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए राइट right? साथ ही साथ अपने जो आपके आस पड़ोस में जो आपके आ, बोलते हैं भाई बहन होंगे उनसे आप बात कर सकते हो कि भैया ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ सिस्टर ये प्रॉब्लम मैं क्या करूँ राइट right? ना तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप किसी से भी पूछोगे तो हमेशा वो आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे सो so, मैंने यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान रहा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ एक्जेक्टली इन चीजों के बाद ये आता है लेकिन याद रखना आपके अलावा आपको सबसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता तो अपने आपको इवेल्युएट करो इवेल्युएट करने के बाद आप डिसाइड करो कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए तो यहां पे मैंने कुछ कोर्सेज के नाम लिख दिए हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा डिप्लोमा एक कोर्स है आर्ट्स है साइंस है कॉमर्स है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है जो कि हम टेंथ स्टैंडर्ड के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों डिप्लोमा के बारे में सो अगर आप डिप्लोमा आपको दिखाई दे रहा होगा तो डिप्लोमा में से लगभग मैंने कुछ सेवन टू एट कोर्सेस यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर आप कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सारी चीजें आप स्टडी करने वाले हो राइट right? ये जो कोर्स होता है बच्चों जो तीन साल का होता है या और ये जो डिप्लोमा होता है वो हमेशा आप टेंथ स्टैंडर्ड के बाद करते हो उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कोर्स जो कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग सो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं तो हमेशा रखना केमिकल से रिलेटेड जो आपके केमिकल जैसे आपने ध्यान देना टेंथ स्टैंडर्ड में भी आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट स्टडी किया था तो वो सारी चीजें आपको यहां पे मिलने वाली हैं ये भी कितने साल का होता है बच्चों तीन साल का कोर्स होता है इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आने वाला है बच्चों याद रखना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर आप सर्किट से बात करोगे मतलब जैसे मैं आपको बोल दूं कि डिफरेंट डिफरेंट जो रजिस्टर्स होते हैं डायोड हो गया राइट right ट्रांजिस्टर्स हो गया ऐसी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हो किस तरीके से सर्किट वर्क करता है इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हो ये कोर्स भी बोलो कितने साल का होता है बच्चों तीन साल का होता है अब हम बात करते हैं टॉप पे आप राइट में देख रहे हो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कई लोगों का फेवरेट कोर्स बन गया ये क्योंकि ऑटोमोबाइल

मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कोर्स होता है नॉर्मली हार्डवेयर से रिलेटेड होता है हार्डवेयर इन द सेंस जैसे मैं बात करूं ड्रिल मशीन सो ड्रिल मशीन का आर्किटेक्चर कैसा होता है वो किस तरीके से उसका वर्किंग होता है जिसमें छोटा सा एग्जाम्पल रहा तो उसका वर्किंग कैसा होता है इन सारी चीजों के बारे में आप स्टडी करोगे कहां कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कि होता है तीन साल का कोर्स अब आती है बोलो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में रख लो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात मतलब क्लॉथ्स की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे थ्रेड्स की बात करूंगा जैसे आपने जैसे मैंने बोल दिया सिल्क हो गया कॉटन हो गया क्लॉथ्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है आर्किटेक्चर कैसा होता है ये सारी चीजों के बारे में स्टडी हम करेंगे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में तो ये भी हमारा हमेशा जो कोर्स होता है वो जो तीन से छह साल का कोर्स होता है अब हम बात करते हैं ब्यूटी कल्चर के बारे में सो बच्चों जो ब्यूटी कल्चर ये आपका कोर्स होता है ये कोर्स आता है आपका चार से छह महीने का इस कोर्स में आप ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो आप सीखते हो जितने भी आइडियाज है आप वहां पर सीखते हो इस पर्टिकुलर कोर्स में एंड ये जो कोर्स है बच्चों याद रखना इस कोर्स में इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी अपना ब्यूटी पार्लर ओपन कर सकते हो और वहां पर अपना काम कर सकते हो नेक्स्ट वन इज वर्ट आपका आता है फैशन टेक्नोलॉजी सो फैशन टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है यह आता है दो साल के लिए इस पर्टिकुलर डिप्लोमा इस पर्टिकुलर डिप्लोमा में

इंजीनियरिंग जो कोर्सेस होते हैं चार साल के कोर्सेस होते हैं आपको डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में मिलेगा मतलब आपको फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं करने की जरूरत है आप समझ जाओ कि आपने फर्स्ट इलेवेंथ uh, किया इलेवंथ के बाद ट्वेल्थ किया ट्वेल्थ के बाद फर्स्ट ईयर किया उसके बाद आप सेकेंड ईयर करते हो लेकिन आपने तीन साल मतलब वहां पर तीन साल और यहाँ का भी तीन साल तो कंपेरिजन के हिसाब से डिप्लोमा होल्डर्स को हमेशा डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है तो ये बच्चों मैंने किसके बारे में आपको आइडिया दे दिया डिप्लोमा के बारे में तो आई थिंक कई लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्जैक्टली डिप्लोमा क्या होता है कन्फर्म वेरी गुड इसके बाद हम बात करेंगे थोड़े कॉमर्स के बारे में तो कॉमर्स में आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें पे मैं लिख के दी हुई हैं गाइज ये सारी चीज लिखने का रीजन ये है कि मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं अदरवाइज बहुत टाइम लेगा ये अगर मैं उसको लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इसलिए मैंने पहले लिख दिया सो so, कॉमर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर बीकॉम के बारे में गाइज ध्यान कॉमर्स e मतलब आपने जैसे ही टेंथ के बाद कॉमर्स से सब्जेक्ट लिया तो कॉमर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मिलेगा जैसे मैंने बोल दिया अकाउंट मैंने बोल दिया इकोनॉमिक्स उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स दैट इज ओ सी दे आपका एस पी आता है देन मैथमेटिक्स आता है हिंदी इंग्लिश तो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन याद रखना एसपी और जो मैथ्स है गाइज वो आपका डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो क्योंकि दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो आप दोनों नहीं ले सकते अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है आप मैथ्स करियर मैथ्स में करियर बनाना चाहते हो तो बच्चों याद रखना आप मैथ्स से सब्जेक्ट लो एन इनकेस अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है एंड आप चाहते हो कि नहीं मैं एडमिशन लेना चाहता हूं एसपी के थ्रू तो मैं आप एसपी के थ्रू भी जा सकते हो राइट right? तो अगर ध्यान रहा आपने डायरेक्टली जैसे ही आपने इलेवन ट्वेल्थ कंप्लीट किया दस यू कैन अप्लाई फॉर द बीकॉम राइट एंड कॉम कोर्स आप बीकॉम कर सकते हो बीकॉम तीन साल का कोर्स था बच्चों साथ ही साथ अगर आपको बीकॉम नहीं करना है तो हमारे पास कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो कि कॉमर्स के बाद इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आप कर सकते जैसे मैंने बोल दिया बैफ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आप डायरेक्टली आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट रीड करते हो राइट right, एंड uh, इस पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद नॉर्मली आपको बैंक के बैंक में बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है बी एम एम की बात करेंगे तो बैचलर ऑफ मास मीडिया अभी उसका नाम कर दिया है बी एम एम सी तो बैचलर ऑफ मास मीडिया इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप स्टडी करने वाले हो जर्नलिज्म मतलब डिफरेंट डिफरेंट जर्नलिज्म किस तरीके से जो जर्नलिस्ट होते हैं या किस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं राइट ना मास मीडिया से रिलेटेड टेलीविजन से रिलेटेड देन आपका फिल्म से रिलेटेड ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बी एम एम इस कोर्स में दिखाई देगा फिर आपका जो नेक्स्ट कोर्स आता है बच्चों आता है बी एम एस जो बीएमएस होता है उसे हम बोलते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज राइट ना सो मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो बी एम एस वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हियर राइट And उसके बाद आप है, आपका बी आई एम बैचलर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट देन बी बी आई बी एफ एम फाइनेंशियल है बच्चों ये कोर्स आपका फिल्म एंड टेलीविजन से रिलेटेड है मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स में आप मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स होंगे आपको फिल्म एंड टेलीविजन से रिलेटेड ही रहेंगे आप कई लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट में सर ने यह बी एस सी आई टी क्यू लिख दिया प्रॉब्लम क्या है सर को इसमें क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट में बी एस सी कैसे तो याद रखना बच्चों कॉमर्स जब आप इलेवन ट्वेल्थ करते हो राइट ना इलेवन ट्वेल्थ में मैंने बताया था या तो आप ले सकते हो एसपी या तो ले सकते हो आप मैथमेटिक्स तो दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो अगर एसपी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सोचो अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया तो एक अपॉर्चुनिटी आपको खुल जाती है बच्चों क्या कि आफ्टर कॉमर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि जो बी एस का एडमिशन होता है बच्चों मैथ्स के मार्क्स पे होता है और एज अ इलेवन कॉमर्स में अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप एलिजिबल हो गए सो so कच्चे कहने का मतलब बच्चों बच्चों है कि बच्चा कॉमर्स से पढ़ा है लेकिन बीएससी के कोर्स कर सकता है ध्यान इसके और भी फायदे हैं जब मैं साइंस में जाऊंगा साइंस के कोर्सेस एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्लियर वेरी गुड

तो चार्टेड अकाउंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल चार स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन किए चार्ट अकाउंट में स्टेप में क्लिक कर सकते हो फर्स्ट आपका है सीए फाउंडेशन बच्चों मतलब आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम फिनिश करते हो मतलब क्लियर करते हो तब आपको किसका एग्जाम देना होगा सीए इंटर का आप इसे इंटर बोलो इंटरमीडिएट बोलो कई लोग इसे सीए इंटर बोलते हैं कई लोग इसे बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट तो आपको सी इंटरमीडिएट का एग्जाम देना होगा अगर आप वो क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको तीन साल की आर्टिकलशिप करनी होती है एंड तीन साल की आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में टू एंड ईयर के बाद ही आप सीए फाइनल कर सकते हो मतलब जैसे आप तीन साल आपने सी ए इंटरमीडिएट कर लिया उसके बाद आप तीन साल का आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपने वन ईयर फिनिश किया सेकेंड ईयर फिनिश किया उसके बाद हाफ ईयर फिनिश किया मतलब आपने ढाई साल खत्म कर लिया अपने आर्टिकलशिप के जैसे ही आपने ढाई साल खत्म किए अपनी आर्टिकलशिप के बच्चों उसके बाद डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो यस सीए कर सकते हो सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो कंफर्म और जैसे आपने सी ए फाइनल क्लियर कर लिया मतलब आप सी ए बन चुके उसके बाद जो दूसरा कोर्स आता है सीएस आता है कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी का मैंने कोई स्टेप्स लिख दिया सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा कंप्लीट होने के बाद सीए सी एस एग्जीक्यूटिव देन सीएस फाइनल एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा ईयर का आर्टिकलशिप अगर आपने सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए वन बाय वन स्टेप वाइज तब आप सीएस बन चुके साथ ही साथ कॉमर्स करने के बाद बच्चों आप टेंथ स्टैंडर्ड के बाद भी एल कर सकते हो और ट्वेल्थ के बाद भी एल कर सकते हो सोचो so, अगर आपने टेंथ के बाद एल किया ध्यान दस सब लोग मैं क्या बोल रहा हूं अगर आपने टेंथ के बाद एल किया तो आपको पांच साल का लगेगा एल और अगर आपने ट्वेल्थ के बाद किया तो आपको तीन साल का एल लगेगा ठीक है और एक बात और बता देना चाहता हूं मैं आपको जितने भी अपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए चाहे आप बी कॉम की बात करें चाहे प्रोफेशनल कोर्स की बात करें ये सारे कोर्सेज को हम बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज राइट एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस करने के बाद आप बच्चों पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप क्या एम ए कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट आप एम बी ए कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एम कॉम कर सकते हो और पीजी डी एम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेरे मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस अवेलेबल हैं क्लियर ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी सकती है आप क्या क्या कर सकते हो इवन इवन गाइस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे आपने एम कर लिया एम कॉम uh, कर लिया पीजीडीएम कर लिया तो इसके बाद बच्चों आप नेट सेट का भी एग्जाम दे सकते हो ध्यान देना नेट सेट आप नेट सेट का एग्जाम दे सकते हो नेट सेट का एग्जाम देने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो ओके बढ़िया रखना चाहिए मतलब किसी ने किसी कोर्स में आपने मास्टर किया है तो ही आप नेट और सेट के लिए अपलिकेबल होते हो विथ मिनिमम फिफ्टी तो बच्चों अगर आपने टेंथ के बाद साइंस में एडमिशन लिया है तो साइंस में एडमिशन लेने के बाद अगर आपने इलेवन ट्वेल्थ फिनिश कर दिया अब साइंस में जब आप एडमिशन लेते हो याद रहना बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको जैसे मैंने बोल दिया फिजिक्स मैंने बोल दिया केमिस्ट्री मैंने बोल दिया मैथ्स देन बायोलॉजी उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई टी देन सी एस देन इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदी और इंग्लिश uh, तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें uh, अब याद रहना अब आप एग्जैक्टली exactly करना क्या चाहते हो सोचो अगर आप बायोलॉजी नहीं लेना चाहते जैसे आपने बायोलॉजी नहीं लिया तो बायोलॉजी के प्लेस पे आप या तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो या तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो ये एक अच्छा कोर्स है कई लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं दो समा का सब्जेक्ट होता है राइट कई लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सब्जेक्ट लेते हैं कई लोग आर सी एस करके भी सब्जेक्ट लेते हैं इलेवन ट्वेल्थ में तो अगर आप बच्चों आपने इलेवन ट्वेल्थ फिनिश कर दिया तो इलेवन ट्वेल्थ फिनिश करने के बाद अगर आपको प्लेन बी एस सी करनी है तो प्लेन बी एस सी के अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेस दिखाई दे रहे होंगे बच्चों मेरे पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएस फिजिक्स केमिस्ट्री स्टेटिस्टिक्स देन सीबीजेड केमिस्ट्री बॉटनी एंड जियोलॉजी तो ऐसे प्लेन बीएससी के आप कोर्सेज कर सकते हो साथ ही साथ इलेवन ट्वेल्थ के बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो बच्चों मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर, अगर ध्यान से देख रहे हो तो बी एस मैंने लिखा है फिर बी एस सी कंप्यूटर साइंस बीएससी डेटा साइंस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी बी सी तो ये सब क्या आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस और ये सारे कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है तीन थ्री ईयर थ्री ईयर्स आपके जो प्लेन बी एस सी उसके सारे कोर्सेज का ड्यूरेशन भी क्या है बच्चों थ्री ईयर्स ठीक है तो ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हो जैसे आई बोल दिया मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप स्टडी करेंगे देन कंप्यूटर साइंस में आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप स्टडी करोगे डेटा साइंस में नॉर्मली मैक्सिमम आप डेटा के साथ में हैंडल करने वाले हो काम करने वाले हो देन बी एस सी बायो उसके बाद क्या होता है बच्चों बीसीए तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अगर आपने ये सारे कोर्सेज कर लिए हैं बच्चों तो कोर्सेज करने के बाद अब आप एलिजिबल हो जाते हो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज बोलो कौन से होते हैं या तो आप कर सकते हो एमएससी आई या तो कर सकते हो आप एमएससी सीएस या तो कर सकते हो आप एमसीए याद रखना एमएससी आई और एमएससी सीएस करने के लिए आपको टेक्निकल होना जरूरी है मतलब अगर आपने बी एस सी आई टी बी एस सी सी एस बी एस सी डी डेटा साइंस या बी सी ए किए हो तो ही आपको एमएससी आई टी एमएससी सीएस में एडमिशन मिलेगा राइट कंफर्म लेकिन अगर हम बात करेंगे एमसीए के बारे में बच्चों तो एमसीए में अगर आपने बीएससी एस बीएससी, आई टी सी एस बी एस सी डेटा साइंस बीसीए, पीसीएम, पीसीएस, पी सी मतलब अगर आपने प्लेन बीएससी किया है तो भी आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हो अगर आपको याद होगा बच्चों मैंने बीएससी एस आई टी कोर्स आपको कॉमर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ था वेरी गुड अब एमएससीआईटी एकमात्र ऐसा कोर्स है जो आप जब आप फिनिश कर देते हो तो आप गाइस गेट के लिए एप्लीकेबल हो जाते ध्यान गेट का जो एग्जाम होता है उसके लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो आफ्टर गिविंग एम तो एमएससीआईटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप गेट का एग्जाम दे सकते हो अगर आपने गेट को क्वालिफाई कर लिया तो बच्चों आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट जैसे आई आई टी हो गया ऐसे ऐसे कोर्सेस में ऐसे प्लेसेस पे आप जाकर एमटेक में एडमिशन ले सकते अपने रैंकिंग के हिसाब से ध्यान देना एमटेक एक एमटेक ऐसा कोर्स है जिसको मैं एमएससीआईटी के थ्रू कर सकता हूं तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बच्चे जब मैं कॉमर्स की बात कर रहा था तो कॉमर्स में अगर बच्चे ने मैथ्स लिया है तो मैथ्स के बाद वो बी एस सी आई टी कर सकता है बी एस सी आई टी के बाद वो एम एस सी आई टी कर सकता है और एमएससीआईटी के बाद एम टेक कर सकता है सो तो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये यह है कि सोचो अगर बच्चे ने कॉमर्स पढ़ा है तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि तो मैं आगे चल के एम टेक कर सकता हूं तो बच्चे वो कर सकता है एम टेक एम टेक लेकिन कंडीशन क्या है कि उसे मैथ्स लेना होगा कंफर्म इतना होने के बाद साइंस में इलेवन ट्वेल्थ फिनिश करने के बाद अगर बच्चा मेडिकल में इंटरेस्टेड है तो उसे नीट का एग्जाम देना होगा एंड नीट का एग्जाम देने के बाद वो एम बी बी एस बी एम एस बी एच एम एस एंड फार्मेसी ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है मुंबई में टोटल सिक्स कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस एंड अगर आपने ये सारे कोर्सेज जिस जो कि होते हैं लगभग फोर एंड हाफ ईयर्स के बच्चे फोर एंड हाफ ईयर्स के कोर्सेज अगर आपने फिनिश कर दिए उसके बाद एम डी एंड एम एस भी आप कर सकते हो क्लियर अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में अगर इंजीनियरिंग जो कोर्स के ही कर सकते हो, लेकिन करने का दिया, yes, अगर आपने उसे किया और आपका नाम कॉलेज में आता है तो आप वहां से सिविल केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हो आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कोर्से आप कोर्सेस सेलेक्ट करके आप फिनिश कर सकते हो उसके बाद बच्चों बात करेंगे एम के बारे में एम के बारे में एम तो याद रखना ये जो एम कोर्स है कोई भी ग्रेजुएशन वाला बंदा कर सकता है right राइट और एम और एम हमारा ये इंजीनियरिंग वाला बंदा कर सकता है क्लियर तो एम हो गया मास्टर इंजीनियरिंग एम टेक हो गया क्लियर तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो जो हमारा जो इंजीनियरिंग होता है वो चार साल का होता है एम Ame. Ame. और एम ये दो साल का होता है एम बच्चों कितने साल का होता है आपा ये भी दो साल का ही होता है क्लियर याद रखना एम और एम ये कितने साल के होते हैं थ्री थ्री ईयर्स के कोर्सेस है होने के बाद अब हम लोग थोड़ा आगे मूव करते हैं तो अब हम मैं बात करने वाला हूँ बच्चों आर्ट्स के बारे में तो आर्ट्स भी एक ऐसा कोर्स है जो कि आप इस तरीके से नहीं बात कर सकते कि यार आर्ट्स है क्यों कौन पढ़ता है आर्ट्स गलत बात है आर्ट्स में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जैसे मैंने बोल दिया बी तो आप किसी एक सब्जेक्ट में बी करने के बाद ऑनर्स कर सकते हो एम कर सकते हो राइट राइट उसके बाद बी एड और बी एड और एमएड तो आप कभी भी कर सकते हो मतलब किसी भी कोर्स के बाद जैसे आपने कोई भी मास्टर कोर्स कर लिया उसके बाद आप बीएड कर सकते हो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके हिसाब से बीएड एंड एमएड का एक अलग रूल आया है बट आप किसी भी कोर्स के बाद बी एंड बी एंड एम कर सकते हो जिसके बाद आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो एज अ टीचिंग जॉब तो बच्चों हम बात करेंगे बीए के बारे में तो आपने बीए किया बीए के बाद एमए कर सकते हो और एमए करने के साथ साथ आप बीए के बाद किसी न किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स भी कर सकते हो साथ साथ बच्चों आप बीए एलएलबी भी कर सकते हो उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास मीडिया ऑलरेडी मैंने बताया कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है नाम से माना पड़ेगा अगर हम बात करेंगे होटल मैनेजमेंट की जो कि नेक्स्ट कोर्स है सो तो अगेन बच्चों आप आर्ट्स के साथ में आप होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हो इवेंट मैनेजमेंट आज के ऐसे बहुत है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो इवेंट्स को हैंडल करती हैं जैसे एक वेडिंग इवेंट हो गए या फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल करने के लिए ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं ट right. तो उसे उसे हम बोलते हैं नॉर्मली इस टाइप के कोर्सेज को हम क्या बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज उसके बाद फैशन डिजाइनिंग तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के क्लॉथ्स होते हैं कपड़े होते हैं डिजाइनर कपड़े होते हैं तो वो सारी चीजें कहां आप सीखोगे फैशन डिजाइनिंग में एंड साथ ही साथ बच्चों आर्ट्स करने के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो जैसे कुछ सिविल सर्विसेज के एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया आई हो गया पी हो गया आई हो गया या फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स करने के बाद इलेवन ट्वेल्थ करने के बाद आप क्लर्क एंड टाइप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो तो बच्चों किससे रिलेटेड मेरे आर्ट्स से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेस कॉमर्स एंड आर्ट्स करने के बाद हम बात करेंगे तो 12th के बाद नॉर्मली ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो हम कर सकते हैं जैसे हम बात करेंगे एनडीए के बारे में नेशनल डिफेंस अकेडमी वन ऑफ द बोल सकते हैं कि ग्रेट जॉब uh, बोलते हैं क्योंकि इस जॉब के थ्रू आप इंडिया को अपने नेशन को सर्व करते हो साथ ही साथ आप मर्चेंट नेवी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन याद रखना अगर आप मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई करते हो आफ्टर टेंथ स्टैंडर्ड तो याद रखना आपको एज अ स्वीपर एज अ क्लीनर एज अ इलेक्ट्रीशियन का जॉब मिलेगा लेकिन अगर आप ट्वेल्थ के लिए अप्लाई करते हो बच्चों याद रखना ट्वेल्थ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जैसे आपकी जो एज होनी चाहिए उस 17 और 25 के बीच में होनी चाहिए मतलब 70 से कम नहीं 25 से ज्यादा नहीं साथ ही साथ आप क्या होना चाहिए अनमेरिड होने चाहिए बच्चों अगर आपने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तब आप आई एम यू सी ए टी ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अपलिकेबल हो जाते हो एंड uh, ये इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है अगर आपने ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया क्वालिफाई करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो जो इस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट को uh, मतलब होल्ड करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई नहीं कर सकते कहने का मतलब यह है कि किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए कोर्सेज के अंदर होने चाहिए ना और ये कोर्सेज उस पर्टिकुलर कॉलेज में तभी रहेंगे जब बच्चों ये एग्जाम उसके अंदर रहेगा मतलब अगर किसी कॉलेज में आई एम uh, यू सी ए टी एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है तभी आप उस कॉलेज से मतलब उस कॉलेज के अंदर नॉटिकल साइंस मरीन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हो एंड ये कोर्सेस करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन के लिए कंफर्म तो आई होप कि आपको समझ में आ गया मर्चेंट नेवी क्या होता है एक बात और बताना चाहता हूँ अगर मैं बात करूंगा मर्चेंट नेवी के बारे में बच्चों तो मर्चेंट नेवी को ऐसा वॉर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ध्यान देना कि मर्चेंट नेवी में जाएंगे मतलब हमें पानी में लड़ना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं बच्चों याद एक्सपोर्ट सारे सारे, सारे के, के तो का जॉब करते हो सो ये सारी चीजों में हम कहा इंक्लूड करते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर so guys, तो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे